कुदरत के खेल भी निराले हैं। अक्सर विभिन्न प्रजातियों के पक्षी एक ही रंग में देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई पक्षी वास्तविक रंग के विपरीत हो जाता है। आई इंडिया आज आपको एक ऐसे ही पक्षी के बारे में बताने जा रहा है। यह पक्षी अद्भुत रंग का देखा गया है। जी हाँ, आपने पक्षियों में कौवे को अक्सर काले रंग का देखा होगा, लेकिन जनपद रामपुर के अम्बेडकर पार्क के निकट पेड़ों और दीवारों पर एक अद्भुत कौवा देखा जा रहा है। इस कौवे का कुछ हिस्सा काला और अधिक हिस्सा सफेद रंग का है। रामपुर में देखा गया यह कौवा अपने आप में अद्भुत नजर आता है। बात अगर शास्त्रों की करें तो माना जा रहा है कि ऐसा कौवा माता धूमावती देवी का वाहन है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों की बात की जाए तो अनुवांशिक दोष और नियोजियम की कमी की वजह से काला कौवा सफेद रंग का हो जाता है। फिलहाल सफेद रंग का कौवा लाखों में से एक पाया जाता है। रामपुर के DFO राजीव कुमार का कहना है कि हजारों या लाखों कौवों में से जेनेटिक लक्षणों के चलते कुछ कौवे इस तरह के हो जाते हैं। DFO ने इसके बारे में और क्या कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास प्राप्त हुए हैं जिसमें वो सफ़ेद कलर का दिखा रहा है। तो आप जैसे जानते हैं, नॉर्मली जो कौवे का कलर होता है ब्लैक कलर का ही होता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मेलानिन में होता है, जो जिसकी वजह से इनका रंग चेंज हो जाता है। तो ये कॉमन चीज़ है, कॉमन तो नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि जीन में कुछ थोड़ा डिसऑर्डर हो गया या जीन का स्वरूप बदल गया तो उससे कलर में चेंज आ जाता है। तो प्रायः ये मतलब हजारों इलाकों में एक ही कौवे में या इस तरह से होता है। तो थोड़ा उत्सुकता है लोगों में कि कलर थोड़ा वाइट है, क्योंकि कौवे का कलर ब्लैक ही होता है। लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, जैसा कि है कि वाइट कौवों की नस्ल के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो ये दो चार थोड़ा सा देखने को मिलता है कि ब्लैक के अलावा सफ़ेद रंग के हैं, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। इसका थोड़ा सा मुझे छानबीन करानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वाइट कौवों की नस्ल अगर कहीं मिलती है तो क्या पता वहाँ से भी आया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।